नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों आज मैं यहां ट्रक ड्राइवर के साथ घटी दो डरावनी घटनाओं को शेयर करने जा रहा हूं। तो आइए पहली घटना से आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हम ट्रक ड्राइवर लोगों की जिंदगी बहुत खराब होती है, न जाने हमें कैसे कैसे रास्तों से गुजरना पड़ता है और हम बता भी नहीं सकते इतनी भयानक और खतरनाक चीजें हमें नजर आ जाती है। पर इतना सब देखने के बाद भी हमें अपना काम करते रहना पड़ता है। मेरा नाम मनोज है और मेरे जीवन का ये भयानक किस्सा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये उन दिनों की बात है जब मैं घंटों तक गाड़ी चलाकर थक गया था, भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी और नींद भी आ रही थी, इसलिए मैंने एक ढाबा देखकर वहीं अपना ट्रक साइड में ले लिया। ढाबे के सामने की तरफ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी तो वहां होटल का जो आदमी खड़ा था उसने ट्रक को पीछे की ओर ले जाने के लिए कहा। मैं घूमकर ढाबे के पीछे की तरफ चला गया। वहीं अपने ट्रक को एक दूसरे ट्रक के पीछे खड़ा कर मैं और मेरा साथ जो क्लीनर था हम दोनों ट्रक से नीचे उतर गए। जैसे ही हम नीचे उतरे हमने देखा कि हमारे सामने जो ट्रक था उसके पास एक आदमी खड़ा था और वो वहां खड़े होकर बीड़ी या सिगरेट ऐसा कुछ पी रहा था। उसके खड़े रहने के अंदाज से ये लग रहा था कि शायद वो उसी ट्रक का ड्राइवर है। हम थोड़ा आगे बढ़े, मतलब ढाबे के पास पहुंचे, तो हमने पीछे से कुछ चिल्लाने की आवाज सुनी, इसलिए हम दोनों भी एकदम से रुक गए। पीछे देखा तो वहां पीछे जो ड्राइवर खड़ा था वो किसी बुढ़िया पर चिल्ला रहा था। हम दोनों वही खड़े होकर देखने लगे कि वहां क्या हो रहा है। उस बुढ़िया के साथ एक 8-9 साल की लड़की भी थी और देखते ही देखते उस ट्रक ड्राइवर ने उस बुढ़िया को जोर का धक्का दे दिया। धक्का देते ही वो एकदम से नीचे गिर पड़ी। उसके साथ जो लड़की थी उसने वही पड़ा एक पत्थर उठाया और उस आदमी को दे मारा। गुस्से में आकर उसने भी उस लड़की को एक थप्पड़ जड़ दिया। उन दोनों में ज्यादा खींचातानी होने लगी तो वो देखकर हम दोनों भी दौड़कर उनके पास चले गए। उसी समय ढाबे से कुछ लोग भी तमाशा देखने पीछे आकर खड़े हो गए थे। हमने उस ड्राइवर को पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया और उस बुढ़िया को और उस लड़की को वहां से जाने के लिए कहा। जिस प्रकार से वो ड्राइवर उन पर चिल्ला रहा था हमें इतना तो पता चल गया था कि ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। उस बुढ़िया ने उस आदमी से कुछ खाने की मांग की और जब उसने मना किया तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने लगी थी और इसलिए ड्राइवर ने अपने आप को छुड़ाने के लिए उसे धक्का दे दिया था। हमने भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया और झगड़ा छुड़ाकर हम ढाबे की ओर चले गए। लेकिन जब वो बुढ़िया और बच्ची वहां से दूर जा रही थी तो वो बार बार गुस्से से पलटकर उस ड्राइवर को देख रही थी। उस समय मैंने देखा कि बीच बीच में उनकी आंखें खून से लाल चमक रही थी। मैंने अपने साथी क्लीनर को पूछा भी, क्या तुमने देखा उनकी आंखें अजीब है? तो उसने ये कहा, नहीं तुम्हारा वहम होगा, गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। और उसने मेरी बात पर इतना ध्यान भी नहीं दिया। फिर हम ढाबे से अंदर चले गए, खाना वगैरह खाया और खाना होने के बाद हम वापस बाहर आ गए। तब तक हमारे सामने जो ट्रक खड़ा था वो वहां से चला गया था। अब न वहां वो ट्रक था और न ही उसका ड्राइवर। हम भी उसी के बारे में बातें करते हुए अपने ट्रक में बैठ गए और आगे के सफर के लिए निकल पड़े। जब हम वहां से काफी आगे गए तो हमने देखा कि रास्ते के किनारे एक ट्रक रास्ते से नीचे उतरा हुआ था और जैसे जैसे हम उसके पास गए तो महसूस हुआ कि यह तो वही ट्रक है जो ढाबे पर हमारे ट्रक के सामने खड़ा था। उस ट्रक को देख हमने भी अपना ट्रक थोड़ा साइड में ले लिया। वैसे हम ढाबे से 8-10 किलोमीटर दूर आ चुके थे। मेरे साथ वाले क्लीनर ने अपनी जगह से ही झुककर बाहर देखा, पर न ट्रक के आसपास कोई दिखाई दे रहा था और न ही ट्रक के अंदर, इसलिए हम दोनों भी देखने के लिए नीचे उतर गए। हमने नीचे उतर कर देखा कि ट्रक की हेडलाइट चालू थी, ट्रक के अंदर की लाइट भी चालू थी और उस हिसाब से ट्रक ड्राइवर को वहीं आसपास कहीं होना चाहिए था। हमने वहीं खड़े होकर अंधेरे में आवाज भी दी पर हमें कहीं से कोई जवाब नहीं आया। हमने उस ट्रक को चक्कर लगाकर आगे पीछे देखा पर कहीं कोई नहीं था, न ही कोई एक्सीडेंट हुआ था और ना कुछ, सब कुछ ठीक लग रहा था। अब हम दोनों सोच में पड़ गए कि ये साला ड्राइवर गया कहां। कुछ समय यहां वहां देखने के बाद हम वापस अपनी गाड़ी की ओर जाने लगे।
और तभी मेरे साथी ने कुछ देखा। उसका ध्यान रास्ते के दूसरी तरफ चला गया जहां उसे कुछ चमकता हुआ नजर आ गया, तो उसने मुझे कहा, उस तरफ कुछ है। मैंने भी थोड़ा गौर से देखा पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मतलब वहां एक तो अंधेरा था और आगे सब कुछ काला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। तो मेरे साथी ने फिर कहा, अरे सच में मैंने देखा था, वो एकदम से गायब हो गया। मतलब वो इतना तेज हुआ कि मैं उसे समझ ही नहीं पाया कि वहां क्या हुआ है, पर वहां कुछ तो है। उसने मुझे आगे कहा कि हमें रास्ते की उस तरफ चलकर देखना चाहिए। मैंने उसे अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोला, नहीं, अपने ट्रक को छोड़कर ऐसे जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। जैसे कि उस ट्रक का ड्राइवर वहां से गायब हो गया था, हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां क्या हुआ है। मतलब वो कहां चला गया है, गाड़ी यहां क्यों खड़ी है, या और कोई कारण था। लेकिन मुझे खुद कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर फिर भी मेरा जो साथी था वो बार बार मुझे कह रहा था कि चलो एक बार चलकर देखते हैं। तो मैंने उसे कहा कि हम एक काम करते हैं, मैं गाड़ी में जाकर बैठता हूं, तब तक तू जाकर देख करा, कुछ नजर आए तो ठीक, वरना हम यहां से चले जाएंगे। हो सकता है कि ड्राइवर का कुछ जरूरी सामान ढाबे पर रह गया हो और इसलिए वो यहां से वापस चला गया हो। फिर भी मेरे साथी ने कहा, मैं बस एक बार देख कर आता हूं, तुम जाकर ट्रक में बैठ जाओ। मैं जाकर अपने ट्रक में बैठ गया और कपड़े से सामने की कांच को पोंछ ही रहा था कि वो वहां दौड़ता हुआ आया और एकदम से मुझ पर चिल्लाने लगा, गाड़ी भगाओ, जल्दी से गाड़ी भगाओ। वो उल्टी जैसा कुछ कर रहा था, इसलिए मैंने उसे पानी दिया और पूछा, अरे हुआ क्या है। लेकिन उसने बोतल को वहीं फेंक दिया और घबराई हुई आवाज में बस इतना कहता रहा कि पहले तुम गाड़ी भगाओ। मैंने यहां वहां देखा पर वहां कुछ भी नहीं था और मैंने गाड़ी चालू की और गाड़ी को तेज भगाने लगा। वो तो बस डर के मारे हांफ रहा था और भगवान का नाम जप रहा था। बहुत दूर आगे जाने पर मैंने गाड़ी को थोड़ा धीमा कर दिया, पर वो था कि अभी घबरा कर बार बार रास्ते पर यहां वहां देख रहा था। आखिरकार शांत होकर उसने कहा, मैं जब रास्ता पार करके उस तरफ गया तो मुझे कुछ घसीटने की और कुछ खाने जैसी आवाज सुनाई दी, इसलिए मैं रास्ते से थोड़ा नीचे उतरा और झुककर नीचे देखा। वहां रास्ते के किनारे नहर जैसा कुछ खुदा हुआ था और वही एक गड्ढे में नीचे उस ड्राइवर की लाश पड़ी हुई थी। तभी मैंने साथी को बोला, अरे तो इसमें घबराने की क्या बात है, हमें उल्टा पुलिस को खबर करनी चाहिए। उसने मेरी बात को बीच में ही तोड़कर कहा, नहीं नहीं, वो वहां अकेला नहीं था, मतलब सिर्फ वहां उसकी लाश नहीं थी बल्कि उसके पास वो बुढ़िया और उसकी साथ वाली वो छोटी बच्ची थी। अब ये सुनकर मुझे बस इतना लगा कि शायद उन्होंने ढाबे पर हुए झगड़े का गुस्सा उस ड्राइवर पर निकाला होगा। लेकिन उसके आगे मेरे साथी ने मुझे जो बताया वो सच में बहुत भयानक था। उसने कहा कि वो बुढ़िया उसके सर को किसी मटके की तरह एक पत्थर से फोड़ रही थी और उसी के साथ उसके दिमाग को तोड़कर टुकड़े कर उसे खा रही थी और अपने हाथ पर लगे खून को चाट रही थी। वही वो लड़की उस ड्राइवर के पेट पर बैठकर उसकी छाती से दिल को निकालकर उसे कच्चा ही चबा रही थी। और वो देख मुझे उल्टी जैसा हुआ और मेरे मुंह से जाने अनजाने में आवाज निकली। तभी उन दोनों ने मेरी तरफ देखा और मुझे देखकर वो एकदम से खड़ी हो गई। तुमने जो कहा था वो सच था, उन दोनों की आंखें लाल खून सी चमक रही थी। उनकी उस भयानक नजर को देखकर मेरी हालत ही खराब हो गई और इसलिए मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। सच में उसकी बात सुनकर मैं भी घबरा गया था और ये सोचने वाली बात थी कि हम ढाबे से करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर थे। जो अंतर हमने 15 से 20 मिनट में पार किया था, हम जानते थे कि इतनी देर में कोई भी इंसान चलकर इतनी दूर नहीं आ सकता, खासकर अगर वो बूढ़ा और कोई बच्चा हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली कहानी, आइए अब दूसरी कहानी सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मंगेश पाटिल है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। वैसे मैं कोई ट्रक ड्राइवर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ दिन ट्रक चलाने का काम किया था और उस दिन के बाद मैंने फिर कभी ट्रक नहीं चलाया। ये उन दिनों की बात है जब मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी और मेरे घर में पैसों की बहुत तंगी चल रही थी।
इसी कारण मैंने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में कुछ दिन नौकरी की थी। अब मुझे पता नहीं कि वो कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी थी या दूसरा कुछ, लेकिन वो लोग अपने ड्राइवर्स को बहुत सारे पैसे देते थे और फिर भी मैंने वो नौकरी छोड़ दी थी। इसका कारण था उस कंपनी की शर्तें, जो कि बहुत ही अजीब और डरावनी थी। तो मैं आपको वही किस्सा सुनाने जा रहा हूं। जब मैं नौकरी ढूंढ रहा था, कोई ढंग का काम तलाश रहा था, तब मेरी पहचान एक आदमी से हुई थी। वो भी मेरी तरह उन दिनों काम ढूंढ रहा था। उसने मुझे कहा कि एक काम है, लेकिन उस काम को करने से पहले हमें उस कंपनी की शर्तों को मानना पड़ेगा, तभी वो हमें काम पर रखते हैं। मैंने उससे पूछा भी कि ऐसी क्या शर्तें हैं, तो उसे भी उनकी शर्तों के बारे में ठीक से पता नहीं था। उसने बस मुझे इतना कहा कि बहुत जल्द बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो मेरे साथ चलो। मैंने काफी सुना है उस कंपनी के बारे में और बहुत ही कम लोग उसके बारे में जानते हैं। मैं पिछले 1.5 महीने से काम ढूंढ रहा था, इसलिए उस आदमी की बात सुनकर मुझे भी ये लगा कि शायद यही मौका है, शायद किस्मत मुझे कुछ देना चाहती है। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी कंपनी के कुछ राज होते हैं जो कि कुछ खास लोग ही जानते हैं, और इसलिए कंपनी ऐसे लोगों को बहुत सारे पैसे भी देती है ताकि वो राज कंपनी से बाहर न जाए, वो अपने लोगों तक ही रहे। और यही सोचकर एक दिन मैं उस आदमी के साथ चला गया। अब वो जो आदमी था वो मेरा इतना अच्छा दोस्त तो नहीं था, बस काम के जरिए हमारी अच्छी जान पहचान हो गई थी। वो एक बड़े से गोडाउन में एक कोने में छोटा सा ऑफिस था, जिसका नाम भी ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा था, बस आगे ट्रांसपोर्ट ऐसे कुछ शब्द दिखाई पड़ रहे थे। जब हम दोनों वहां गए तो वहां का जो मालिक था उसने हम दोनों को अंदर बुलाया और हमसे कुछ सवाल पूछे। और वो सवाल क्या थे पता है? क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? क्या तुम भूत प्रेतों को मानते हो? और क्या तुमने कभी भूत या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? अब मेरे लिए ये सच में अजीब सवाल थे, क्योंकि जिस काम के लिए मैं वहां गया था उन्हें मुझे उनके बारे में पूछना चाहिए था, जैसे कि मुझे ट्रक चलाना आता है या नहीं, मेरा ड्राइविंग का एक्सपीरियंस कितना है, या फिर मेरे पास लाइसेंस है या नहीं। लेकिन ये सारे सवाल उन्होंने मुझे पूछे ही नहीं, और मेरे साथ जो आदमी आया था उसके शुरुआती सभी सवालों का जवाब ना ही था। मतलब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, भूत प्रेतों में मेरा विश्वास नहीं है, और अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। और मैं था जो कि जवाब देने के बजाय बस यही सोच रहा था कि ये कैसे सवाल है। तो वहां का जो मालिक था उसने ऐसे ही कुछ ऊटपटांग सवालों के बाद सबसे आखिर में मुझे कहा कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहां काम कर पाओगे। अब मेरे साथ जो आदमी था वो जोर देकर कह रहा था कि ये मेरा दोस्त है, कर लेगा, उसे पैसों की बहुत जरूरत है, पर फिर भी वो मुझे काम देने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बार बार कहने पर आखिरकार उन्होंने मुझे बोला कि हमारे यहां वैकेंसी निकलती रहती है, तो तुम हफ्ते दो हफ्ते बाद आना। और इतना बोलकर उन्होंने मुझे वहां से जाने के लिए कहा। मेरे साथ जो आदमी था वो भी मेरे साथ निकल रहा था, तो उन्होंने उस आदमी को वहीं रुकने को कहा। अब केबिन से बाहर जाने के बाद मैं वहां नहीं रुका और वहां से सीधे घर चला गया। उसके कुछ एक हफ्ते बाद एक दिन मुझे वो आदमी रास्ते में फिर मिला। मुझे देखकर वो एकदम से खुश हो गया और मुझे कहने लगा, अरे तुम कहां चले गए थे उस दिन? अच्छा एक काम करो, कल ही जाकर मालिक से मिलो, डे शिफ्ट में वैकेंसी है। लेकिन मेरा सारा कुतूहल उसके बारे में जानने का था, तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? तो उसने बताया कि आज सुबह ही वापस आया हूं, नाइट शिफ्ट होती है लेकिन पैसे बहुत मिलते हैं, और डे शिफ्ट में तो 1 महीने बाद पगार मिलती है, लेकिन नाइट शिफ्ट में ट्रिप से वापस आए कि पैसे हाथ में। डे शिफ्ट वालों की महीने की जितनी पगार है ना, उतने तो मैंने इन 2-4 दिनों में ही कमाए हैं, तो अब तुम ही सोचो क्या करना है। उसकी बातें सुनकर मुझे भी थोड़ा लालच आ गया, लेकिन अचानक से मेरे मन में क्या आया मुझे पता नहीं। मैंने उससे ये पूछा, अच्छा वो उन शर्तों के बारे में कुछ पता चला? उसने मुस्कुराकर जवाब में कहा, वो मैं नहीं बता सकता, बताने को मना है, कहीं मालिक को पता चला तो मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन तुम खुद मुझे देख रहे हो, देखो यही मौका है, किसी और को काम मिल गया तो ये भी काम हाथ से चला जाएगा। और फिर ऐसे ही यहां वहां की बातें कर वो वहां से चला गया।
लेकिन कंपनी की शर्तों के बारे में उसने मुझे एक शब्द भी नहीं बताया। मैं अगले दिन अकेले ही उस गोडाउन को और फिर उस ऑफिस को ढूंढते हुए वहां चला गया। मैं फिर एक बार उस अजीब से आदमी के सामने बैठा था। उसने मुझे गौर से देखा और कहा, देखो हमारे यहाँ नाइट शिफ्ट में काम करने के कुछ रूल्स हैं, कुछ सख्त नियम हैं। अगर तुम उन्हें मानते हो तभी हम तुम्हें आगे का काम दे सकेंगे। और वो आदमी अच्छे से जानता था कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरे सामने कोई पर्याय नहीं है। मैंने उत्साह में कहा, आप बताइए, मैं करने को तैयार हूँ। मैंने सोचा कि होंगे ऐसे ही कुछ नियम कि सिग्नल को नहीं तोड़ना है, या कंपनी के बारे में किसी को नहीं बताना है, या कंपनी के बताए रास्ते के बजाय कहीं और नहीं जाना है, या ऐसे ही कुछ। पर मालिक ने कहा, आज नहीं, पहले कुछ दिन तुम दिन में ट्रक चलाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। शायद वो देखना चाहते थे कि मैं कैसे ट्रक चलाता हूँ। मैंने 3-4 दिनों तक ट्रक चलाया, जो कि शहर में ही काम होता था। मुझे उन दिनों में इतना तो पता चल गया था कि उनके दो क्षेत्र थे, एक में फूड आइटम्स जैसे वेजिटेबल्स वगैरह ट्रांसपोर्ट होते थे, तो दूसरे में नॉन वेजिटेरियन आइटम्स जैसे मीट मांस मच्छी वगैरह ट्रांसपोर्ट होता था। मुझे लगा था कि ये लोग कुछ दो नंबर का धंधा करते होंगे और शायद इसलिए ज़्यादा पैसे भी देते होंगे। ऐसे ही 4-5 दिन बाद एक शाम जब मैं ट्रक लेकर वापस आया और अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था, तो मुझे पता चला कि मालिक ने मुझे बुलाया है। मैं कपड़े बदल कर उनके केबिन में चला गया। उन्होंने मुझे उनके सामने बैठने का इशारा किया और शुरुआत में इतना ही कहा, तुम्हारा काम अच्छा है और जैसे कि तुम्हें पता होगा कि हम दो तरह का ट्रांसपोर्ट करते हैं, वेजिटेरियन आइटम्स और मीट वगैरह। तो जो लोग मीट मांस मटन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, सिर्फ उन्हें ही हम दुगनी पगार देते हैं या कभी कभी उससे ज़्यादा। कंपनी की कुछ मजबूरियां हैं और इसलिए हम मांस मटन सिर्फ रात में ही ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो क्या तुम वो काम करना चाहोगे? दुगनी पगार सुनकर मैंने कुछ सोचा नहीं और बिना सोचे ही कह दिया, हाँ क्यों नहीं। तो मैनेजर ने थोड़ा रुककर केबिन का दरवाज़ा लगाने के लिए कहा। मैंने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया और वापस अपनी जगह पर बैठ गया। तभी वो आदमी, वो मालिक अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। फिर उसने एक एक कर मुझे वो शर्तें बताना शुरू किया। देखो जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ की कुछ शर्तें हैं, सख्त नियम है, जिसे अगर तुम मानते हो तभी हम तुम्हें वो काम दे सकते हैं। और मैं अब ये मानकर चल रहा हूँ कि तुम्हें सभी शर्तें मंजूर है। अगर तुम जाना चाहो तो अब भी बाहर जा सकते हो। मैंने फिर भी विश्वास से कहा, नहीं मैं करूँगा, मुझे मंजूर है। फिर उसने आगे कहा, तो सुनो, नाइट शिफ्ट में काम करने की 10 शर्तें हैं। पहली शर्त, तुम्हें सिर्फ रात में सफ़र करना है, रात में ही शहर के बाहर जाना पड़ेगा और सुबह होने से पहले तुम्हें डिलीवरी देनी है। एक बार तुम ट्रक को लेकर यहाँ से निकले तो तुम उसे बीच रास्ते में कहीं नहीं रोक सकते और नहीं कहीं आराम कर सकते हो, पानी पीने के लिए भी नहीं और नहीं पेशाब के लिए। जो भी करना है ट्रक के अंदर ही और बिना रोके। और आगे कुछ बातें हैं, अगर वो होती है तभी तुम ट्रक को रोक सकते हो, लेकिन कुछ ही मामलों में है। वो बातें तुम्हें आगे की शर्तों में पता चल जाएंगी, ठीक है? इस बात पर मैंने सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। दूसरी शर्त, तुम्हें गाड़ी की हेडलाइट को हर समय ऑन रखना है, हेडलाइट को अंधेरे में एक पल के लिए भी बंद नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो। कभी तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि लाइट तो चालू है पर फिर भी आसपास बहुत घना अंधेरा है, फिर भी तुम गाड़ी को नहीं रोकोगे, तुम्हें गाड़ी चलाती रहनी है। और समझो कि कहीं अगर गाड़ी के हेडलाइट एकदम से झपकने शुरू हो जाए, फिर तो गाड़ी को बिल्कुल नहीं रोकना है बल्कि गाड़ी को और स्पीड से चलाना है और तेजी से भगाना है, जब तक कि हेडलाइट झपकनी बंद नहीं हो जाती। इस बार मैंने फिर से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तीसरी शर्त, अगर रात के अंधेरे में किसी सुनसान रास्ते पर कहीं तुम्हें ऐसा साइन बोर्ड दिखाई दे कि आगे का रास्ता बंद है और फिर भी आगे का रास्ता दिखाई दे रहा है, तो उस वक्त भी ट्रक को रोकना नहीं है, नहीं गाड़ी को पीछे मोड़ना है और नहीं किसी दूसरे रास्ते से जाना है, तुम्हें गाड़ी को उसी रास्ते पर चलाते रहना है, ठीक?
ठीक है। चौथी शर्त, अगर तुम्हें रास्ते में कोई आदमी सुनसान जगह पर अंधेरे में चलता दिखाई देता है और अगर वो सीधे चले जा रहा है तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है और ना ही उसे मुड़कर देखना है। अगर तुम्हें दिखाई दे कि वो रुक गया है और रुककर तुम्हें देख रहा है तब गाड़ी चुपचाप उसके पास रोक देना और उसे गाड़ी के अंदर बिठा लेना, लेकिन उससे कोई बात नहीं करना और नहीं कोई सवाल पूछना। फिर वो जब कहे, जहां गाड़ी रोकने के लिए इशारा करे, गाड़ी को उसी जगह पर रोक देना, भले ही वो कोई सुनसान जगह क्यों ना हो। तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं कि वो कहां उतर रहा है। उसके उतरने के बाद तुम वापस गाड़ी को आगे लेकर जाओगे, लेकिन गलती से भी उसे मिरर में देखने की कोशिश नहीं करोगे, समझे? वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। उनकी ये शर्त सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा था। पहले 2-3 शर्तों को तो मैं समझ सकता था, लेकिन ये जो शर्त थी वो बहुत ही अजीब थी। फिर भी मैं चुपचाप उनकी आगे की शर्तें सुनता रहा। अब तो मैंने गर्दन हिलाना भी बंद कर दिया था। 5वीं शर्त, बीच रास्ते में तुम्हें गाड़ी के ऊपर से या पीछे से कुछ खटखटाहट की या टप टप की आवाज सुनाई दे तो गाड़ी को रोक कर नीचे उतर कर नहीं देखना कि वो क्या है, बस गाड़ी को चलाते रहना है। शायद तुम्हें आसपास से कुछ गुर्राहट भरी आवाज भी सुनाई दे, फिर भी नहीं, तुम बस चलते रहोगे। अगली और 6ठी शर्त, अगर तुम ट्रक में रेडियो या कैसेट कुछ सुन रहे हो या नहीं भी सुन रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें अचानक से रेडियो स्पीकर से कुछ अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देने लगे तो तुम तुरंत उसे बंद कर दोगे। गाड़ी को भी उसी जगह पर तुरंत रोक देना और बंद कर देना और बिना वक्त गवाए अपने सिर को नीचे झुकाकर नीचे झुक जाना, अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेना। तुम्हें आसपास से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगेंगी, जैसे तुम्हारे आसपास कोई फुसफुसाहट कर रहा है। कांच पर, दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज सुनाई देगी और यहां तक कि कोई दरवाजा खोल भी देगा तो भी तुम अपनी जगह से नहीं हिलोगे, अपनी आंखें नहीं खोलोगे जब तक कि वो सारी आवाजें शांत न हो जाए। जब वो आवाजें शांत हो जाएंगी तो तुम धीरे से अपनी आंखें खोलकर सबसे पहले खिड़की से बाहर झांकना। तुम्हें अगर वहां धुआं दिखाई दे तो समझ जाना कि वहां जो कुछ था वो वहां से चला गया है और फिर तुम तुरंत गाड़ी चालू कर आगे निकल जाना। 7वीं शर्त, ट्रक चलाते समय तुम्हें अचानक से कोई चीज या कुछ भी ट्रक के साथ तेजी से भागता हुआ या फिर सरकता हुआ नजर आ जाएगा, तुम्हें बस शांत रहना है, अपने ट्रक की स्पीड बढ़ानी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने स्पीड में हो, तुम जितने भी स्पीड में होगे, जितना भी तेज होगे, वो तुम्हारे साथ ही सरकता रहेगा, पर फिर भी तुम तेजी से गाड़ी चलाते रहोगे और वहां जो कुछ है उसे खिड़की से बाहर देखने की या फिर मिरर में देखने की कोशिश नहीं करोगे, सीधे सामने रास्ते को देखोगे, समझे? अब 8वीं शर्त, अगर तुम्हें गाड़ी चलाते समय बहुत जोर की चीख सुनाई दे तो झट से गाड़ी को साइड में रोक देना, गाड़ी के सभी लाइट को चालू कर देना और तेजी से ट्रक से उतरकर पीछे चले जाना, पीछे जाकर पीछे कंटेनर में छुप जाना। इस बीच तुम देखोगे कि गाड़ी की सभी लाइट्स झपकने लगेंगी, बंद हो जाएंगी, फिर से चालू हो जाएंगी, लेकिन जब तक सभी लाइट्स नॉर्मल नहीं हो जाती यानी स्थिर नहीं हो जाती तुम वहां से हिलोगे नहीं। फिर जैसे ही तुम्हें सब ठीक लगे, मतलब सभी लाइट्स नॉर्मल हो जाएंगी, तो उसके ठीक 10 मिनट बाद तुम वापस आगे जाकर ट्रक को उस जगह से दूर ले जाना। और ये आखिरी शर्त, अगर तुम्हें रास्ते पर कोई औरत गाड़ी को रोकने के लिए हाथ से इशारा करती दिखाई दे तब तो गाड़ी को बिल्कुल भी नहीं रोकना है। वो भले ही कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, कितनी ही आकर्षक क्यों ना हो, तुम गाड़ी को उससे आगे लेकर जाओगे और उससे आगे निकलने के बाद तुम साइड मिरर में देखना। अगर वो अब भी रास्ते पर उसी जगह पर खड़ी है तो समझो कि तुम बच गए, और अगर वो रास्ते पर नहीं है तो तुम अपने पीछे देखने की जरा भी हिम्मत मत करना, क्योंकि अगर वो रास्ते पर नहीं है इसका मतलब वो तुम्हारे पीछे है, तुम्हारे पीछे की सीट पर है और तुम्हें देख रही है। तुमने तिरछी नजर से भी पीछे देखने की हिम्मत की
तो समझो कि तुम मर गए। वो तुम्हें तुरंत ले जाएगी। कहां वो पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर तुमने इनमें से किसी भी शर्त को नजरअंदाज किया या इन्हें बस अफवाह समझकर या झूठ समझकर इन पर ध्यान नहीं दिया, कोई भी गलती की, तो तुम हमें कभी नहीं मिलोगे। इन सब अजीब शर्तों को सुनकर मेरा दिमाग भन्ना गया था। उस मालिक ने सबसे आखिर में मुझे कहा, आशा है कि तुम इन सब शर्तों को याद रख पाओगे। मैंने कुछ सोचकर कहा, पर आपने तो कहा था कि 10 शर्त है, तो आखिरी शर्त क्या है? मालिक ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, वो मैं तुम्हें वापस आने के बाद बताऊंगा। अब जाओ, अपनी आज रात की डिलीवरी की तैयारी करो। केबिन के बाहर 2 आदमी खड़े हैं, वो तुम्हें बताएंगे कि कौन सा ट्रक कहां लेकर जाना है। मैंने वहां कुछ दिनों में सिर्फ सुना था कि उनके कुछ ट्रक ड्राइवर जो ट्रक को लेकर जाते हैं वो कभी वापस नहीं मिलते। किसी के साथ कोई भयानक एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई ड्राइवर डर के मारे उस कंपनी को छोड़कर चला जाता है। लेकिन आज मुझे समझ आ रहा था कि इन सब के पीछे क्या कारण हो सकता है। अब मैं दुविधा में था। मैं उन्हें ना नहीं कर सकता था। बाहर उनके 2 आदमी खड़े थे। मैं चुपचाप वहां से बाहर चला गया और चलते चलते ही उस आदमी को ढूंढने लगा जो मुझे यहां लेकर आया था। वो 2 आदमी मुझे उसी गोडाउन के एक बड़े से हिस्से में लेकर गए। वो हर पल मेरे साथ थे। वहीं पर कुछ ड्राइवर शांत बैठे थे, आपस में बात भी नहीं कर रहे थे। मैं अपनी जाने की तैयारी करने लगा और मैंने बहुत धीरे से वहां बैठे कुछ लोगों से मेरे साथ वाले उस आदमी के बारे में पूछा। और तब मुझे पता चला कि उसकी कल रात ही एक भयानक दुर्घटना में मौत हुई है और इसलिए उन्होंने मुझे उसकी जगह पर काम करने के लिए बुलाया है। इस बात को सुनकर मैं एकदम से सुन्न रह गया। मैंने उसी समय वो काम छोड़ दिया था। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं किस तरह से वहां से भागा हूं। जैसे ही मुझे मौका मिला, मैं पागलों की तरह बस दौड़े जा रहा था। उन लोगों ने मुझे पकड़ने की, रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं रुका और रात भर एक गटर में छुपा रहा। मुझे इस बात का डर था कि कहीं वो लोग मुझे पकड़कर मार न दे। सुबह होते ही मैं सीधे अपने गांव चला गया और फिर मैं वहां वापस कभी नहीं गया। मुझे सच में न उस कंपनी के बारे में कुछ पता था और न उनके काम के बारे में, पर वहां कुछ तो अजीब था। मुझे इतना तो यकीन था कि वो सिर्फ ऐसे लोगों को काम देते थे कि जिनके घर वाले या जिनके पहचान का वहां कोई नहीं है, वो उनके बारे में जानकारी निकालते थे। और जब उन्हें यकीन हो जाता कि इन्हें देखने वाला या इन्हें बचाने वाला यहां कोई नहीं है, तभी वो लोगों को काम पर रखते थे, पैसों का लालच देते थे और पता नहीं उन लोगों से वो कौन सा भयानक काम कराते थे। मेरा नसीब अच्छा था जो मैं बच गया था। मेरे उस 7 वाले आदमी की मौत के बारे में सुनकर मुझे अब ये लगने लगा था कि उनकी आखिरी शर्त यही थी कि अगर तुम जिंदा लौटकर वापस आए तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे, बहुत सारे पैसे। तो दोस्तों, ये थी आज की दोनों कहानियां। आपको दोनों कहानी में से कौन सी कहानी ज्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ, मैं आज से एक सेगमेंट ला रहा हूँ जिसका नाम है ओल्ड इज गोल्ड, जिसके तहत मैं आपको मेरे चैनल की कोई एक अच्छी कहानी अपने हर एक नए एपिसोड में ऐड करता जाऊँगा, ताकि जो नए सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मेरी पुरानी कहानियाँ नहीं सुनी है वो मेरी पुरानी कहानियों का भी आनंद ले सके। तो चलिए अब सुनते हैं ओल्ड इज गोल्ड के अंतर्गत मेरी एक पुरानी कहानी, और वो कहानी भी ट्रक ड्राइवर से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। ये अगली कहानी हमें भेजी है शिवांश ने, और अब आगे की कहानी मैं शिवांश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम शिवांश है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। यह घटना कुछ 3 से 4 साल पहले की है। वो शायद जुलाई का महीना था और बरसात के दिन थे, और मुझे एक काम मिल गया था। काम ये था कि मुझे एक घर का सामान लेकर नासिक से नागपुर जाना था। वैसे मैं जाना तो नहीं चाहता था, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मौसम बहुत खराब था और तेज बारिश भी हो रही थी। डर इस बात का था कि कहीं बारिश में फंस गया तो उल्टा मेरा नुकसान होगा, और मैंने उन्हें बताया कि बारिश की वजह से मैं नहीं जा सकता, लेकिन सामने वाली पार्टी ने मुझे थोड़े ज्यादा पैसे देने का वादा किया और जल्द से जल्द सामान नागपुर उनके दूसरे घर पहुंचाने को कहा। तो कुछ देर सोचने के बाद मैं भी मान गया
और शनिवार दोपहर को उनके नासिक वाले घर चला गया। उस दिन सुबह से बारिश गिर रही थी, तो बारिश की वजह से सामान को ट्रक में लोड करते करते रात के 8 बज गए। रात के समय सारा सामान गाड़ी में लोड करने के बाद मैं अकेला ही वहां से नागपुर की ओर निकल पड़ा। अब मैंने दोपहर से खाना नहीं खाया था, तो मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैंने आगे जाकर रास्ते में एक ढाबे पर ट्रक को रोका और वही थोड़ा खाना खा लिया। मैं जब खाना खत्म कर ढाबे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक आदमी बारिश में भीगता हुआ मेरे ही ट्रक के पास खड़ा था। मैं अपने आप को बारिश से बचाते हुए भागकर ही उस आदमी के पास चला गया, तो उसने कहा कि वो एक दूसरे ट्रक से नागपुर की ओर जा रहा था, पर वो जिस ट्रक से जा रहा था वो ट्रक पीछे कहीं बंद पड़ गया है और वो चलकर ही इस ढाबे तक आया है। करीब 1 घंटे से वो नागपुर जाने वाले ट्रक को ढूंढ रहा था, तो मैंने उस आदमी को मेरे साथ चलने को कहा। वो आदमी गीले कपड़ों के साथ सिकुड़ कर एक कोने में बैठ गया। मैंने उससे कहा, तुम्हारे पास दूसरे कपड़े नहीं है क्या? उसने ठंड से कांपते हुए ना में जवाब दिया। अब मेरे पास भी उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो सोचा कहीं आगे जाकर किसी ढाबे पर जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब सफर काफी लंबा था, तो मैंने ट्रक में टेप मतलब म्यूजिक सिस्टम चालू कर दिया और बड़ी आवाज में गाने बजाना शुरू किया। ज्यादातर वो फिल्मी गाने थे, लेकिन बीच बीच में ही कोई भजन, कोई भगवान का गाना शुरू हो जाता था। और फिर जैसे ही भगवान का गाना शुरू होता, वो आदमी थोड़ा अजीब सा व्यवहार करने लगता था, अजीब तरह से अपने शरीर को तोड़ने मरोड़ने लगता था। बीच बीच में ही अपने सर को बहुत नीचे झुका लेता था। उसकी आंखों से बार बार पानी निकलने लगता और उस बारिश के ठंडे मौसम में भी अचानक ही उसके सर से लेकर पांव तक उसे पसीना आने लगता। मैंने 3-4 बार देखा, जब भी कोई भगवान का गाना या भजन शुरू हो जाता, अचानक ही उसकी हालत बिगड़ने लगती थी। वो देख मैंने उस आदमी से पूछा, भाई कोई तकलीफ है क्या या तबीयत खराब है? तो उसने थरथराते हाथों से मुझे इशारा करते हुए इतना ही कहा, नहीं, पर क्या तुम ये टेप बंद कर सकते हो? मुझे उस आवाज से तकलीफ हो रही है। मुझे थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि गाने सच में बहुत बड़ी आवाज में चल रहे थे, पर हम ट्रक वालों की आदत ही होती है, हमें नींद ना आए इसलिए हम अक्सर बड़ी आवाज में ही गाने चलाते हैं। लेकिन उस आदमी की हालत देख मैंने तुरंत टेप को बंद कर दिया। उस वक्त रास्ते पर ज्यादा गाड़ियां भी नहीं थी और जिस नेशनल हाईवे से हम जा रहे थे वहां तो कहीं कहीं लाइट्स भी बंद थी। काफी देर ट्रक चलाने के बाद रात के करीबन 2 या 2:30 बज रहे थे कि तभी खड़खड़ आवाज करते हुए ट्रक अचानक ही एक जगह पर रुक गया। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हो गया, अभी तक तो सब ठीक था। मैंने आगे देखा पर आसपास बस दूर दूर तक फैला मैदान दिखाई दे रहा था और बीच बीच में कहीं बड़े बड़े पेड़ थे, कहीं घनी झाड़ियां थी जो रात के उस वक्त काफी डरावनी लग रही थी। मैंने कई बार ट्रक को चालू करने की कोशिश की पर ट्रक चालू ही नहीं हो रहा था। मैंने उस आदमी को कहा, तुम यही रुको, मैं देखकर आता हूं कि क्या गड़बड़ है। तो मुझे देख वो आदमी पहली बार थोड़ा मुस्कुराया। उस रास्ते पर आसपास कोई भी नहीं था, बस एकाध दूसरी गाड़ी उस रास्ते पर नजर आ रही थी। मैं नीचे उतरकर गाड़ी के आगे जाकर इंजन चेक ही कर रहा था कि वो आदमी तेजी से गाड़ी से नीचे उतर गया और उतरकर सीधे रास्ते के किनारे घनी झाड़ियों के बीच अंदर जाने लगा। मैंने उसे आवाज दी, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद वो टॉयलेट के लिए गया होगा। मैंने फिर से उसे आवाज दी, देखो ज्यादा अंदर मत चले जाना। और मैं फिर इंजन चेक कर टायर चेक करने लगा। अभी बस कुछ 2-4 ही मिनट हुए थे कि मैंने उन झाड़ियों में से एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई आदमी जोर जोर से दर से कराह रहा हो। मैं तुरंत भागते हुए उन झाड़ियों में जाने लगा। मैंने आगे जाकर देखा तो वहां वो आदमी था ही नहीं। अंधेरा होने की वजह से आसपास ठीक से दिखाई ही नहीं दे रहा था कि तभी किसी ने किसी चीज से पीछे से मेरे सर पर वार किया। उसके धारदार कोने से मेरे सर पर खरोंच भी आ गई थी। मैं गुस्से में ही पलटा पर वहां कोई नहीं था। मैंने गुस्से में ही कहा, कौन है बे, मेरे सामने आ, पर वहां आसपास कोई भी नहीं था। और जब वापस मैंने उन झाड़ियों की ओर देखा तब मुझे सामने कुछ ही दूरी पर एक औरत दिखाई दी। वो अचानक ही मुझे सामने नजर आने लगी थी। मैंने अपनी आंखों को मलते हुए देखा पर वो औरत पहले जितनी दूर थी
अब उससे कई ज्यादा करीब नजर आने लगी थी। वो देख मेरी सांस जैसे रुक सी गई, धड़कन बिल्कुल धीमी सी हो गई और बदन एकदम ठंडा सा होता महसूस होने लगा। मैं वहां से हटते हुए उन झाड़ियों में जाने लगा कि तभी मेरा पैर किसी नरम चीज से टकराया और मैं नीचे गिर पड़ा। मैं अपने आप को संभाल कर उठने की कोशिश कर ही रहा था कि मैंने देखा कि जिस चीज से मैं टकराया था वो वही आदमी था जो कुछ देर पहले मेरे साथ मेरे ट्रक में था, और अब उस आदमी के छाती पर वो औरत अजीब तरह से बैठी हुई थी। उस औरत का चेहरा बिल्कुल उस आदमी के चेहरे के सामने था और उस औरत की रीढ़ पूरी तरह से मुड़ी हुई थी। उस आदमी और उस औरत के चेहरे में बस एक इंच की दूरी थी। मैं यहाँ धीरे से ही बड़बड़ा रहा था, हट जाओ वहां से। उसे जोर से बोलने की, उस पर चिल्लाने की मुझमें जरा भी हिम्मत नहीं थी। वो आदमी थोड़ा होश में था और वो मुझे उस औरत से बचाने के लिए इशारा कर रहा था कि तभी वो औरत जोर से उसके चेहरे पर ही चीखी। वो चीख इतनी बड़ी थी कि वो आदमी बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। उस चीख को सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई। वो सब बहुत भयानक था। वो औरत उसे और मुझे मार देना चाहती थी। मैंने देखा कि उस आदमी का दम घुट रहा था, पूरी तरह से उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। वो अपनी जान बचाने के लिए झटपटा रहा था। मैं जानता था कि मैं अकेला उस औरत के सामने कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी मैं दौड़कर मेरे ट्रक के पास चला गया और अंदर कुछ हथियार वगैरह ढूंढने लगा। और तभी मेरा ध्यान मेरे म्यूजिक सिस्टम की ओर चला गया। मैंने झट से गाड़ी को चाबी लगाई और बड़ी आवाज में टेप को चालू कर दिया। मेरा नसीब अच्छा था कि मैंने भगवान के जिस गाने पर टेप को बंद किया था, टेप वहीं से आगे चालू हो गया। और तब मैं भी भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान करे सब ठीक हो जाए। लेकिन फिर भी मैंने वहां से स्टेपनी ली और सीधे उन झाड़ियों में चला गया। अब उस औरत ने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर रखा था और वो अब डर की वजह से चीख रही थी। वो इतनी तेज और बुरी तरह से कांप रही थी कि वो देख मैं समझ गया कि वो कोई आम इंसान नहीं थी। मतलब मेरा पैतरा काम कर गया था। वो आदमी आधी बेहोशी की हालत में था। मैं उस आदमी को खींचते हुए उस औरत से दूर ले गया और फिर किसी तरह उसे उठाकर ट्रक के पास चला गया। वो सब देखकर मेरा सर चकराने लगा था। आसपास सब अंधेरा ही अंधेरा था। अब तो वो एकाध दूसरी गाड़ी भी मुझे नजर नहीं आ रही थी। सोचा अगर गाड़ी नजर आ जाती तो मैं किसी से मदद मांग सकता था। मैंने डरते डरते भगवान का नाम लेकर किसी तरह उस आदमी को गाड़ी के अंदर धकेला और जाकर मेरी सीट पर बैठ गया। मैं गाड़ी को चालू करने ही वाला था कि मैंने उस झाड़ियों से फिर एक आवाज सुनी। अरे रुक जाओ, मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो? उस आवाज को सुनकर मैं दंग रह गया। मैंने जिस आदमी को गाड़ी में बिठाया था वो अब भी गाड़ी में ही बेहोश पड़ा हुआ था और वो आवाज भी बिल्कुल उसी आदमी की जैसी थी। मैंने जोर जोर से भगवान का नाम लेना शुरू किया और फिर मेरी आवाज को सुन वो बाहर का आदमी अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया और मेरी तरफ देखते हुए उसने गुर्राते हुए कहा, ये मेरा शिकार है, मैं इसे यहां से जाने नहीं दूंगी। और मैं समझ गया कि वो बस एक छलावा है। मैंने डर के मारे ट्रक चालू किया और ट्रक को भगाने लगा। मैं ट्रक को पूरी स्पीड से दौड़ा रहा था। इतनी देर से जो ट्रक चालू नहीं हो रहा था वो अचानक ही चल पड़ा था। पता नहीं वो डायन थी या कोई चुड़ैल थी, पर वो इतना भयानक था कि उस हादसे के बाद हम दोनों भी बीमार पड़ गए थे। कुछ वक्त बाद जब उस आदमी को होश आया तो उसने बताया कि असल में वो रात नागपुर से मुंबई की ओर जा रहा था, पर बीच रास्ते में जब वो टॉयलेट के लिए उस जगह गाड़ी से नीचे उतरा था तो किसी अनजान चीज ने उसे पकड़ लिया था। शायद उसे किसी चीज ने पजेस कर लिया था। वो तब वहां से आगे निकल तो गया, पर जैसे जैसे वो चीज उस पर हावी होने लगी तो उस डायन या चुड़ैल वो जो भी थी उसने उसे वापस उसी जगह आने पर मजबूर कर दिया। और इसीलिए बीच रास्ते में ही वो मुंबई की ओर जाने वाली गाड़ी से उतर कर मेरी गाड़ी में बैठ गया था। उसने कहा कि तब अगर तुम मुझे आने से मना कर देते तो शायद मैं तुम्हें मार देता, पर अच्छा हुआ कि तुम मुझे वहां ले जाने के लिए तैयार हो गए और आज सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मेरी जान बच पाई है। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा एपिसोड। और आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताया करें। वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप लाइक करते हो, शेयर करते हो तो मुझे भी थोड़ा काम करने के लिए अच्छा लगता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं शिवा भारती के जीवन पर आधारित एक और कहानी आपके सामने पेश करने वाला हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं उस कहानी पर अभी काम कर रहा हूँ और जल्द ही मैं वो कहानी आपके लिए लेकर आऊँगा।
तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।